समाजवादी पार्टी एक पीडीए का नारा लेके आई और मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है और गर्व महसूस होता है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो एक कॉन्सेप्ट था, जो पीडीए का एक जो नारा था, जो हम पीडीए के लोगों के लिए जो हम काम करना चाहते थे सामाजिक तौर पे, उसकी जिम्मेदारी पीडीए की यात्रा के तौर पे उन्होंने हमें, सबसे पहली बात अखिलेश यादव जी की है कि वो दलित समाज के लोगों को गले लगा के मिलते हैं, वो दलित समाज के लोगों को जो हमारे समाज के लोग हैं उनके साथ बड़े उत्साह के साथ हाथ मिला के उन लोगों के साथ संवाद करने का काम करते हैं, उन लोगों की समस्याओं को समझने का काम करते हैं। दूसरी बात, उन्होंने समाजवादी पार्टी के संगठन में, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण में अखिलेश यादव जी ने दलित समाज को सबसे ऊपर रखा है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं राहुल भारती, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं SC/ST प्रकोष्ठ के, और जो समाजवादी पार्टी के द्वारा वर्तमान चुनाव के अंदर पीडीए का नारा दिया गया था और अखिलेश यादव ने उसे पूरे प्रदेश में जिस तरह से लेकर चले, उसके कहीं ना कहीं एडवाइज़र के तौर पर एक कमेटी जो गठित हुई, राहुल भारती उसमें एक अहम भूमिका में थे, पूरी एक पूरी यात्रा निकाली गई पीडीए को लेकर, उसके पूरे कार्यक्रम को पूरा मैनेज करने के लिए राहुल भारती ने जो भूमिका निभाई वो एक बड़ी भूमिका थी। राहुल भारती जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब की बार जो पूरा एक इस चुनाव में नैरेटिव निकल कर आया है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप, और पीडीए जो था, पीडीए को लेकर कितना फ़ायदा समाजवादी पार्टी को हुआ है और अखिलेश यादव इस पूरे प्रकरण में किस तरह की भूमिका में नजर आए थे? पहले तो धन्यवाद आप सभी साथियों को, जय भीम, आपको भी जय भीम। देखिए, समाजवादी पार्टी एक पीडीए का नारा लेके आई और मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है और गर्व महसूस होता है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने इस पीडीए का जो एक कॉन्सेप्ट था, जो पीडीए का एक जो नारा था, जो हम पीडीए के लोगों के लिए जो हम काम करना चाहते थे सामाजिक तौर पे, उसकी जिम्मेदारी पीडीए की यात्रा के तौर पे उन्होंने हमें दी, हमारे संगठन को दी, जिसके अंदर हमने एक बहुत अच्छा यात्रा को आयोजित किया। और पूरी सर्दियों में जब हम उस यात्रा को जनवरी में लेके चले तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लखनऊ से लेके गाजियाबाद तक हमारा दलित समाज के लोगों ने स्वागत किया, उसी समय दिख रहा था उत्साह दलित समाज के लोगों का कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए और इस देश के अंदर एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र लाने के लिए अखिलेश यादव जी का साथ देने का काम करेंगे। पहले थोड़ा पीडीए के बारे में कुछ समझना चाहूंगा, ये पीडीए है क्या, क्योंकि अभी तक पीडीए बहुत सुना, लेकिन मुझे जहां तक पता है, लेकिन जो आम पब्लिक है, एक कार्यकर्ता है और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कहीं इस पीडीए के बारे में नहीं जानते, उसे थोड़ा समझाइए और थोड़ा बताइए कि आखिर पीडीए है क्या। अखिलेश यादव जी की एक सोच है कि भारत के अंदर रहने वाले पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और तमाम वो लोग जिन लोगों को आज़ाद भारत के अंदर अपने स्वाभिमान सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं मिल सका, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान होने के बाद भी लोगों को संघर्ष करना पड़ता है अपने सम्मान के लिए, संघर्ष करना पड़ता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, संघर्ष करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य देने के लिए। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक ये विज़न था कि पीडीए के लोगों को एक दिशा देने के लिए जो सरकार बने नहीं आने वाले 2024 में देश के अंदर, उस सरकार के अंदर इनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो जाए, इनका हक सुनिश्चित हो जाए, उसके लिए पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों को एक साथ एक मंच पे लाने का ये पूरा एक तरीका था पीडीए, और पीडीए का ये तरीका कामयाब भी हुआ। कल रिजल्ट आया, रिजल्ट के अंदर आपने देखा होगा कि दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने किस तरीके से मिलके कितनी बड़ी, हमें कितनी बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में देने का काम किया। अच्छा, पीडीए ने जो कारनामा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दिखाया है, अगर सही तौर पर देखा जाए तो भारत में आज तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है, समाजवादी पार्टी, और ऐसे में ये भी तय हो गया है कि अखिलेश यादव ने जो फॉर्मूला आजमाया है इस चुनाव में और कई जनरल सीटों पर दलित समुदाय के लोगों को टिकट मैदान में उतार कर, टिकट देकर मैदान में उतारा और वो जीत कर भी आए, उनमें से अयोध्या, मेरठ, कई ऐसी सीटें हैं, एक जालौन, जो आज कुछ जगह पर, एक दो जगह पर जहां तक मुझे पता है शायद हार हुई है और वो भी बहुत कम मार्जिन से, लेकिन इन सब को देखकर क्या लगता है कि अगर इसको पूरे
भारत में लागू कर दिया जाए तो पीडीएफ वाकई एक अलग जो है वो अलग जगह देगा पूरे समाज के अंदर। मैं आपके चैनल के माध्यम से तेजेंद्र भाई धन्यवाद देना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी का, उन्होंने आज़ाद भारत में पहली बार अपने पार्टी के पैनल पे दलित समाज के लोगों को जनरल सीट पे चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया और वो कामयाब हुआ। अभी आप जिस मेरठ सीट की आप बात कर रहे हैं वो सीट हमें प्रशासन के दबाव में हराई गई है, वो सीट हम बहुत अच्छे मतों से जीत रहे थे और 8-9 हज़ार का मार्जन है वो फर्जी तरीके से उन लोगों ने वहाँ दिखाने का काम किया। आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, वहाँ हमारे जो अवधेश पासी जी जो हैं वो जीत के आए, ये एक प्रैक्टिकल था और इस प्रैक्टिकल में हम कामयाब हुए। जहाँ जहाँ दलित समाज के लोगों को जनरल सीट पे चुनाव लड़ाया गया है और आरक्षित सीटों पे जहाँ जहाँ अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारे के साथ दलित समाज के लोगों को लड़ाया वहाँ हमने विजय श्री हासिल की है और ये प्रैक्टिकल अखिलेश यादव जी का कामयाब हुआ है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में 2027 का चुनाव हो या उससे पहले का कोई चुनाव हो या उसके बाद का कोई चुनाव हो, आने वाले समय में इस बार निश्चित रूप से समाजवादी के पैनल पे जनरल सीटों पे अनुसूचित जाति के लोगों को सम्मान दिया जाएगा और सम्मान देके ये जो प्रैक्टिकल है इसे लगातार लागू करते रहेंगे। इस पीडीए की ताकत ने ये दिखा दिया है कि वाकई जो उत्तर प्रदेश में सबसे एक वोट जो था, जो बदलाव कोर वोट माना जाता था बहुजन समाज पार्टी मायावती, उसे हाशिए पर खड़ा कर दिया है और अखिलेश यादव एक बहुजन लीडर के तौर पर बहुत बड़ी एक उपलब्धि के साथ निकल कर आए हैं। इसे कैसे देख रहे हैं और आने वाले 2027 के चुनाव में क्या लगता है कि वाकई एक बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे अखिलेश यादव और एक समाजवादी सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी? 2027 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आएंगे, मैं 2024 में आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। आज जब मैंने पूरे उत्तर प्रदेश का, हमने सहारनपुर से लेकर बनारस तक पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लड़ा है, आज जिस तरीके से यूथ ने, दलित यूथ ने खासकर, जिस तरीके से हमारे पढ़े लिखे वर्ग ने, जिस तरीके से हमारे नौकरी पेशा लोगों ने 2022 में भी मदद की थी और 2024 में भी हमारी मदद की है, जो उनकी जो ये मदद है वो निश्चित रूप से 2027 में हमें बड़ी ताकत देने जा रही है। और रही बहन जी की बात, देखिए हमारी लड़ाई बहन जी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई अपने स्वाभिमान सम्मान के साथ है। हम इस आज़ाद भारत में चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी वो अधिकार मिले जो दूसरे बच्चों को मिलता है। बड़ा दुख का विषय है जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं रहे उत्तर प्रदेश के, जब उन्होंने अपना घर छोड़ा, उनके घर को गंगाजल से धुलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने किया, जब कन्नौज के अंदर अभी इसी चुनाव में 2024 के चुनाव में जब अखिलेश यादव जी कन्नौज में एक मंदिर के अंदर गए, शाम को उस मंदिर को गंगाजल और पानी से धुलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने किया, यह बड़ा दुख का विषय है। आज जिस तरीके से जमात के नाम पे, धर्म के नाम पे आज भारतीय जनता पार्टी देश को बांट के राजनीति कर रही है, आज उसके अंदर दलित समाज में आक्रोश है और दलित समाज इन्हीं घटनाओं की वजह से भी अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानने लगा है और वो डायरेक्ट किसी के गठबंधन में ना आके वो डायरेक्ट अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ा है। कन्नौज के अंदर अखिलेश यादव जी को बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 2 लाख से ज़्यादा वोट कन्नौज में दलित समाज ने देने का काम किया है, बदायूं में 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट देने का काम किया, मैनपुरी में देने का काम किया। ये एक नया परिवर्तन है और ये परिवर्तन अपने स्वाभिमान सम्मान का परिवर्तन है। क्या ये नया परिवर्तन जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या यही कारण है कि जो कभी बसपा का कैडराइज नेता हुआ करता था या कैडराइज कार्यकर्ता हुआ करता था, माननीय काशीराम साहब के कैडर में जिसने काम किया हो, वो आज सब समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि वही कारण आज जो है इस समाजवादी पार्टी को इस स्तर तक लेकर आया है कि लोकसभा में 38 सीटें वो जीत कर आई है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है? निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी से मेरा भी एक बहुत बड़ा रिश्ता रहा है और वो हमारे समाज के एक मुख्य दल है। जब मैं चुनावों के बीच में लोगों के बीच में जाता था, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मेरी एक जिम्मेदारी थी अपने लोगों के बीच में जाके संवाद करने की। जब भी मैं अपने लोगों के बीच में जाता था तो लोग मेरे से सवाल करते थे, क्या बसपा का साथ हमें छोड़ देना चाहिए?
लड़ाई बसपा के साथ छोड़ने या साथ देने से नहीं है, लड़ाई इस देश के अंदर लोकतंत्र और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को जिंदा रखने की है। आज इस 2024 के चुनाव में और 22 में भी ऐसा हुआ है हमारे साथ, जो बसपा का जो कैडर का जो नेता है उस नेता ने पीडीए और गठबंधन को समर्थन किया और हर सीट पे हमारी मदद करने का काम किया। अच्छा राहुल जी, एक लास्ट सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है कि वाकई अब अखिलेश यादव जो प्रतिनिधित्व की बात या एक हिस्सेदारी की बात अगर हम करें, वो समाजवादी पार्टी में उस दलित समाज के नेताओं को और जो वर्ग है उसको मिलेगी, जो जिसकी अभी तक लोग आलोचना करते हैं या यूं कहें कि कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े किए थे पिछले, अगर प्रकरण को देखें संसद के अंदर प्रमोशन में आरक्षण का बिल फड़वाना या तमाम ऐसी चीज़ें जो बहुजन महापुरुषों के नाम को बदलना, ये सब चीज़ वो सब चीज़ हट गई हैं, अब जो एक नया अखिलेश जो है वो अब देखने को मिलेगा। बिल्कुल, एक नया सवेरा हुआ है और प्रमोशन में आरक्षण का बिल वो एक व्यक्तिगत एक सांसद की हुई एक घटना है, उसके अंदर पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और अखिलेश यादव जी का तो बिल्कुल नहीं है, और अखिलेश यादव जी ने इसे कई बार दोहराया है। अखिलेश यादव जी देश में संविधान को बचाना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को बढ़ाना चाहते हैं, देश के दलितों को खास करके वो सम्मान देना चाहते हैं और उसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूँ। आज अगर इतनी कम उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है तो ये उसी वजह से दी है कि वो चाहते हैं कि दलित जो यूथ है, दलित का जो यूथ है वो भारत की राजनीति में आके अपने लोगों को संरक्षित कर सके, अपने लोगों के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को लड़ सके, अपने लोगों के जो बच्चों का जो भविष्य है उसे बचाने पर काम कर सके। आज अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के संगठन में भी, समाजवादी पार्टी की जो हमारी कोर कमेटियां हैं उसके अंदर भी, आप समझ सकते हैं कि चार अभी अध्यक्ष जो हैं वो अनुसूचित जाति के समाजवादी पार्टी में हैं, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उन्हें बढ़ाया गया है, और आने वाले समय में भी अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से दलित समाज को निराशा नहीं होने देंगे और वो लगातार बाबा साहब की बात करके, लगातार संविधान की बात करके, लगातार लोकतांत्रिक बात करके, लोकतंत्र को बचाने की बात करके हमारे लोगों के दिलों में अपना घर बना चुके हैं। और अब हमारे लोग, मैं चुनाव के जो चुनाव प्रचार होता था मैं उसमें भी बोलता था बार बार कि मेरे लोग जब एक बार गले लगते हैं, मेरे लोग जब एक बार खड़े होते हैं तो सदियों तक वो नहीं हटते। हमारे लोगों ने अपना काम पूरा किया, अब काम अखिलेश यादव जी का है, निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि वो भी उसे पूरा करेंगे और हमारे लोगों के सम्मान को बचा कर, हमारे लोगों के सम्मान को बनाने का काम अखिलेश यादव जी करेंगे और वो कर भी रहे हैं। तो अखिलेश यादव से अब उम्मीदें बढ़ रही हैं दलित समाज की, और जहां तक है यही एक कारण भी है कि अखिलेश की तरफ वो लगातार देख रहे हैं और उस तरफ पार्टी की तरफ उनकी तरफ मूव कर रहे हैं। क्या अब आने वाले समय में भी ये जो वोट है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है घटकर अब 3% मात्र रह गया है, क्या वो 3% भी अब बसपा समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएगा? देखिए, अगर बसपा ऐसी नीतियों पे काम करती रही जो नीतियां उनकी चल रही हैं तो मुझे लगता है कि 2027 पे वो 3% भी वो नहीं रोक पाएंगे। आज बसपा की अपनी कमियों की वजह से वो 8% इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है। आज अखिलेश यादव जी जिन नीतियों पे काम कर रहे हैं उन्हीं नीतियों पे बहन जी को भी काम करना चाहिए। आप सत्ता के शीर्ष पे पहुंच के अपने लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते, आप उन लोगों को अलग नहीं कर सकते अपने आप से, ये बात देश के राजनेताओं को समझनी पड़ेगी और खास करके बहन जी को समझनी पड़ेगी। अखिलेश यादव जी ने उस वंचित समाज के लोगों को अपने गले लगाया है जो आज दोहराए पे खड़ा था, आज उसने अपनी राह अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देख ली है और वो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी 2027 का चुनाव आए या हो सकता है उससे पहले, क्योंकि मुझे जो ये आज का जो घटनाक्रम चल रहा है देश की पॉलिटिक्स में, हो सकता है अल्पमत की जो सरकार है ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपनी सरकार ना चला पाए, इस अल्पमत की सरकार के हटने के बाद भी हो सकता है बहुत जल्दी हमें चुनाव में वापस आना पड़े, हो सकता है कि बहुत जल्दी हमें वापस इस चुनाव को लड़ना पड़े, तो उसमें भी अखिलेश यादव जी सम्मान देने का काम करेंगे। राहुल भाई, मैं आपसे तीन लास्ट सवाल है मेरा, और मैं केवल तीन चीजें पूछूंगा आपसे जो मायावती से अखिलेश को बिल्कुल अलग बनाते हैं और खासकर इसी कारण दलित समुदाय का अखिलेश की तरफ जो है वो कहीं ना कहीं झुका हो रहा है। तो तीन बातें आप ऐसी बताएं अखिलेश यादव के बारे में जो मायावती से उन्हें बिल्कुल अलग बनाती है।
आपका बहुत बेहतरीन सवाल है और ये इतना बेहतरीन सवाल है, बात आपकी ऑडियंस को बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात अखिलेश यादव जी की है कि वो दलित समाज के लोगों को गले लगा के मिलते हैं, वो दलित समाज के लोगों को जो हमारे समाज के लोग हैं उनके साथ बड़े उत्साह के साथ हाथ मिला के उन लोगों के साथ संवाद करने का काम करते हैं, उन लोगों की समस्याओं को समझने का काम करते हैं। दूसरी बात, उन्होंने समाजवादी पार्टी के संगठन में, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण में अखिलेश यादव जी ने दलित समाज को सबसे ऊपर रखा है। तीसरी बात, मायावती जी कभी भी एक सड़क पर आंदोलन करने की बात नहीं करती, चाहे वो हमारे साथ कोई भी घटना घट जाए, किसी भी प्रकार की घटना घट जाए, अखिलेश यादव जी तुरंत उस घटना का संज्ञान लेके अपने कार्यकर्ताओं को वहां भेजने का काम करते हैं। क्योंकि 2-2.5 साल से मैं समाजवादी पार्टी में उनके साथ हूं और 2.5 साल में मैंने देखा है कि जब भी कोई दलितों के मुद्दे रहे हैं, बहन जी से पहले अखिलेश यादव जी ने वहां जाकर के उनकी मदद की। चाहे कई ऐसे मामले हुए जहां पे उन्होंने आर्थिक मदद भी हमारे लोगों की की। तो ये तीनों चीज अखिलेश यादव जी को मायावती जी से अलग बनाती हैं और इसी वजह से अखिलेश यादव जी के साथ आज उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे भारत का दलित नजरे टिका के बैठा हुआ है और उनके साथ खड़ा है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।